जो घटना मणिपुर की है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी मर्माहत हैं और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज कड़े शब्दों में उसकी निंदा की है, कार्रवाई का आग्रह किया है, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में देश में जागृति फैलाने की बात की है। मणिपुर के साथ साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़ की भी का भी जिक्र किया उन्होंने। हम इस पर बहस चाहते थे लोकसभा में, संसद के दोनों सदनों में। यह हमारे लिए गंभीर विषय है, होना भी चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार देश की बहन बेटियों की इज्जत के बारे में बहुत ही गंभीर और संवेदनशील है। वी वुड लाइक टू रिट्रेट विथ फुल एश्योरेंस एंड कॉन्फिडेंस दैट द गवर्नमेंट ऑफ श्री नरेंद्र मोदी इज फुल्ली अलाइव टू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमन ऑफ इंडिया हु मे बी इन एनी स्टेट रूल्ड बाय एनी पार्टी। किसी प्रदेश में हो लेकिन महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। आज ये बहुत पीड़ा की बात है कि जब भाजपा की ओर से राज्यसभा में पीयूष गोयल जी और लोकसभा में प्रहलाद जी ने साफ साफ कहा था कि हम इस मणिपुर पर चर्चा करने को तैयार हैं, तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष किस क्लॉज में चर्चा हो इसी पर बहस कर रहे हैं। तो आपके लिए वहां की घटना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहस का क्लॉज इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझिए। मैं फिर रिपीट करूंगा, एक सर्वानुमति जाति तो उससे वहां की संवेदनशीलता को सामान्य करने में और मदद मिलती कि पूरी संसद एक स्वर में बोल रही है। जब प्रधानमंत्री जी ने सुबह सुबह उस मामले को इतना सख्ती से अपनी आवाज दी तो उस पर तो एक देश में एक साझेदारी का संकेत जाना चाहिए था ना कि पूरी संसद एक है, पूरा देश एक है। इसका कितना पॉजिटिव मैसेज जाता मणिपुर में आप समझ सकते हैं। लेकिन बहस किस रूल में बहस की जाए यह बहुत पीड़ादायक है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज नॉर्थ ईस्ट देश के नजदीक आया है ना। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 50 बार नॉर्थ ईस्ट गए, उनके सारे मंत्री 400 बार नॉर्थ ईस्ट गए। कई प्रदेशों में भाजपा को बार बार जिताया गया है और नॉर्थ ईस्ट की अलग मिनिस्ट्री बनाई गई है और किस तरह से वहां विकास के काम हो रहे हैं आप भी जानते हैं। और मनमोहन सिंह 10 साल तक राज्यसभा में थे या 20 साल तक आसाम से थे, वहां क्या हुआ छोड़ दीजिए, उस पर बहस नहीं करेंगे। लेकिन आज मुझे कांग्रेस पार्टी से, भाजपा के राष्ट्रीय मंच से सवाल जरूर पूछना है कि आप चाहते क्या हैं? संसद में सार्थक बहस चाहते हैं या रूल पर अपना ईगो चाहते हैं? द बीजेपी वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एज टू व्हाट इज योर अप्रोच ऑन सेंसिटिव इश्यूज। You want a genuine discussion or you want your ego to be massaged on the rules under which discussion will take place? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि हम सबों का यह पूरा मानस था कि अगर यह बहस शुरू होती तो पूरे सदन में एक समझदारी बनती, साझेदारी बनती, एक सामूहिकता के भाव से एक बहुत ही सार्थक रचनात्मक संदेश मणिपुर में जाता और वहां की महिलाओं बेटियों को ले जाता, उससे मदद मिलती। तो हम इससे बहुत दुखित हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी से और क्या अपेक्षा की जाए? विशेष रूप से हर सदन के पहले एक गुब्बारा छोड़ते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, बहस से भाग जाते हैं। याद होगा पेगासस की बात लेके आ गए,
सरकार की ओर से जवाब दिया गया, कहा सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हुई तो राहुल गांधी ने अपना ही मोबाइल नहीं दिया उस कमेटी को, याद है ना आपको। आज कांग्रेस के इन कुकृत्यों को रिकॉल करना जरूरी है। राहुल गांधी विदेश में इतना बोलते हैं कि मेरा फोन टैप होता है, और जब उसकी जांच का विषय आया तो उन्होंने अपने फोन को उस कमेटी को डिपॉजिट करना भी उचित नहीं समझा। इधर एक और पैटर्न हम देख रहे हैं, इस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे आपसे, कि जब भी संसद का सत्र होता है तो एक नैरेटिव ये सोच लेते हैं और फिर चाहते हैं कि पूरा उसी पर बहस हो। हम किसी व्यावसायिक ग्रुप के समर्थन में हम नहीं है। अडानी पर कितना हंगामा किया गया, सरकार ने जवाब दिया, राहुल गांधी का जवाब मैंने खुद दिया था लोकसभा में, सुप्रीम कोर्ट ने बकायदे कमेटी बनाई हुई है, फिर भी हंगामा। और जब मालूम हुआ कि कांग्रेस पार्टी के राज में ही और मनमोहन सिंह के राज में अडानी जी ने व्यापार क्या क्या किया है, तो फिर बैकफुट पे चले गए। ये क्यों, कभी पेगासस, कभी अडानी, कभी कोई विदेश में कोई रिपोर्ट आई कोलूसिव तो उस पर, कभी किसी विदेशी टीवी चैनल ने कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई तो उस पर, सदन को किसी न किसी रूप में डिरेल करना है, सदन को नहीं चलने देना है। और राफेल की बात तो आप जानते ही हैं कितना हंगामा हुआ था, और उसमें ऐसे शर्मनाक नारे लगाए गए थे हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, जनता ने जवाब दिया। तो आज हम बहुत पीड़ा से आपके से यह शेयर करने आए हैं कि जो पैटर्न कांग्रेस पार्टी ने विशेष रूप से बना रखा है, हर सदन के शुरू के पहले कोई चीज लेके आना, फिर बहस नहीं करने देना, फिर बहस से भागना, और फिर आरोप लगाना कि नरेंद्र मोदी सरकार बहस से भागती है। इस पैटर्न को देश के सामने बताना जरूरी है, इसलिए हम आपके सामने आए हैं। ये बताएं कि जो हुआ मणिपुर में वो तो शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, स्थिति अब काफी संभल रही है। एक अपराधी गिरफ्तार भी हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, कल सरकार की ओर से बात की गई, माननीय गृह मंत्री ने बात किया, माननीय स्मृति ईरानी जी ने बात किया, आज प्रधानमंत्री ने पब्लिकली कंडेम किया, तो पूरी सख्त कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक मेरे मन में सवाल उठता है, संदेहास्पद परिस्थितियों का ये क्या है। आज हम जुलाई में है ना, तो मई के पहले वीक की घटना एकाएक ट्विटर पर एक दिन पहले आ जाती है, ये क्या है? सदन के शुरू होने के एक दिन पहले और फिर हंगामा शुरू हो जाता है। मैं फिर कह रहा हूं घटना बहुत गलत है, हम सभी उसकी भर्त्सना करते हैं, सख्त कार्रवाई हो रही है और होगी। वहां के मुख्यमंत्री पूरा कार्रवाई कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने इस बारे में बहुत चिंता व्यक्त की है, लेकिन ये क्या है? तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जब परिस्थितियां बहुत संदेह और संशय से भरी हों तो आप उचित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। व्हेन ए पर्टिकुलर इंसिडेंट इज सराउंडेड विद अ लॉट ऑफ मिस्ट्री एंड सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस अबाउट द टाइमिंग पार्ट, then you can draw your own conclusion। आज मैं एक आग्रह जरूर करूंगा, हम सभी सोशल मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं, भारत आजाद है, अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन ट्विटर हो या कोई भी हो, इस तरह से अपने बेटियों की तस्वीर दिखाएंगे आप? यह बहुत पीड़ादायक है, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है, थोड़ा उनको भी जिम्मेवारी का एहसास करना चाहिए। अब ये तो हो गई मणिपुर की बात, सोनिया जी और प्रियंका जी और राहुल जी, चलिए खड़गे जी, ये जो जोधपुर की घटना हुई है इस पर आप खामोश क्यों हैं भाई? जोधपुर जिले में एक परिवार के चार सदस्यों को जिंदा जला दिया गया,
हत्याकांड के बाद चारों शवों को आंगन में रखकर आग लगाई। महिलाएं भी थी ना उसमें परिवार में। सोनिया जी कुछ बोली है क्या? उन्होंने फोन भी किया है क्या अशोक गहलोत को? प्रियंका जी कुछ बोली है क्या? क्या मतलब है इसका? अगर महिला और गरीबों के संवेदनशीलता के प्रति आप जागरूक हैं तो दिखाई तो पड़ना चाहिए ना। और एक घटना तो करौली का रेप केस जो है, एक दलित युवती के साथ गैंगरेप किया गया, हत्या कर फिर एसिड डालकर जलाया गया, ये क्या है? आज तक गहलोत जी ने कुछ उस पर किया? सोनिया जी ने कुछ बोला? प्रियंका जी ने कुछ बोला? राहुल जी ने बोला? खड़गे जी ने बोला? तो ये जो आपके स्पष्ट दोहरे मानदंड हैं, इसके बारे में क्या कहा जाए? हमारी पूरी रिपोर्ट है कि राजस्थान में आजकल बलात्कार की कितनी घटनाएं बढ़ रही है, पूरी रिपोर्ट हमारे पास। कुछ नहीं बोलती कांग्रेस पार्टी। अगर इतना ही महिलाओं के सुरक्षा की चिंता है तो कभी तो आप बोलेंगे। और जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है तो हमारे पास एक और रिपोर्ट है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, ये तो वहां के नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा बोल रहा है। और जिस तरीके से वहां आदिवासियों का हक छीनकर फेक सर्टिफिकेट पर लोगों को, आदिवासियों का हक दिया जा रहा है, यह भी बहुत बड़ा विषय है। और बाकी भ्रष्टाचार तो है ही है। तो हमारा खाली कहना यह है कि आप सदन चलने दीजिए, बहस करिए, बहस का हम जवाब देंगे। अपनी बात भी कहिए, हमारी बात भी सुनने को तैयार रहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी बहस में रुचि नहीं रखती, इसलिए आज आपके माध्यम से देश को, पार्टी की एक चिंता रखनी थी। और ये हमने अतीत के कई उदाहरणों से बताया आपको। हम इसे उचित नहीं मानते, मैं फिर रिपीट करूंगा, मणिपुर की घटना बहुत पीड़ादायक है, सख्त कार्रवाई हो रही है और सख्त कार्रवाई होगी। माननीय गृहमंत्री जी ने बात की है, प्रधानमंत्री ने टीका अपनी चिंता बताई है और मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है, आगे भी सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सदन सदन होता है, सदन में आइए, बहस करिए, अपनी बात कहिए, सख्ती से कहिए, हमारा जवाब भी सुनिए, वो ये तैयार नहीं होते। धन्यवाद मित्रों।